Good afternoon to all of you. My name is Dr. Mesh Saini. I am Assistant Professor of Computer Science Department in Kanya Mahavidyalaya Kharkhoda. Today we have discussed about the basic content of computer, because in this lockdown vacations we have studied the basic of computer, starting from the basic contents. Today we have started the session 1. I have divided in this course in a different kind of sessions that are very interested. If you have used the daily these sessions, you can easily aware about the basic knowledge of the computer, because it is most important to each and every persons in this society. Session 1st, we have discussed about the theory of basic content of computer. I have declared the roadmap of this sessions: computer fundamentals, understanding what is a computer, data, information and information cycle, component of computer, input devices including CPU, ALU, MU, CU, output devices, computer memory, primary memory, secondary memory, concept of hardware, concept of software, introductions to Windows Vista. ये पॉइंट हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. अब मैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा. यस, कंप्यूटर के बारे में आप सभी आसानी से जानते हैं. जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है, कंप्यूटर इस तरीके से आपको दिखता है. आप आज की लाइफ में सभी अवेयर हैं इस चीज से. जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारे पास आया था वो अबाकस के तौर पे आया था, जिसके बाद हमने कैलकुलेटर और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मदरबोर्ड तैयार किया. जरूरत क्यों पड़ी हमारे को कंप्यूटर की? क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन और हर तरह का काम कंप्यूटर के द्वारा आसान करने के लिए, जो काम आदमी बड़ी मेहनत से करता था उस काम को कंप्यूटर आसानी से कर लेता है. कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं कहाँ कहाँ जरूरी है. एयरलाइंस में, रेलवे में बुकिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है. बैंक्स में आपने देखा ट्रांजेक्शन के लिए. बिजनेस में ऑल काइंड ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर. कार्टून्स में आपको एनिमेटेड मूवीज आपने देखी. सिनेमा में आपने देखा प्रोजेक्टर के माध्यम से काफी बड़े लेवल पे मूवी मिक्सिंग, सॉन्ग मिक्सिंग्स एटसेट्रा. एजुकेशन में आज कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ रहे. होम लीडिंग में आज के टाइम पे घर पे भी सभी चीजों में जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की. और एरियाज हैं डिफेंस में, मिलिट्री वगैरह में जहां भी जाएंगे. लाइब्रेरीज में ऑनलाइन सुविधाएं हैं आपके पास. आर्किटेक्चर जितनी भी डिजाइनिंग है कंप्यूटर के द्वारा. मेडिसिन, नई नई जितने भी आपके साल्ट सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं. स्पेस टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा यूज होता है. वेदर फॉरकास्टिंग्स, टाइम से पहले हमें समय और वातावरण का पता चल जाता है. म्यूजिक कंपोजिशंस में आपको सॉन्ग वगैरह मिक्सिंग्स के लिए यूज करते हैं. और भी बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जो इंक्लूड नहीं किए जा सकते. कहने का तात्पर्य है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता. अभी हम देखिएगा, जानेंगे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग. द वर्ड कंप्यूटर मीन्स टू कंप्यूट, ठीक है, कुछ भी तैयार करना. द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड आइदर स्टोर्स और डिस्प्ले द रिजल्ट. ठीक है, डाटा को लेता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टोर कर लेता है, जब आप मांगोगे उसको रिजल्ट के रूप में दर्शा देगा. देखिए, अभी हम जानेंगे तीनों ऑप्शंस के बारे में. डाटा क्या है? डाटा जो है हमारा वो रॉ मटेरियल्स है, जो मीनिंगलेस होता है. इन्फॉर्मेशन क्या है? जो आपके रॉ मटेरियल को अरेंज करके प्रोसेसिंग के बाद जो भी आपको जानकारी मिलती है. और प्रोसेस क्या है? ये एक सेट है स्टेटमेंट्स का जो परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर टास्क को. और प्रोसेसिंग के बाद जो भी डाटा आपने डाला था वो एक मीनिंगफुल मैनर में आपको दिखाई देगा, जो इन्फॉर्मेशन में बदल चुका होगा. तो इस आईपीओ साइकिल में हमने क्या क्या, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. इनपुट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं आपने देखा, अभी हम थोड़ा सा डीपली जानेंगे. ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आप देखिएगा स्क्रीन है जो मॉनिटर के द्वारा देखी जा सकती है. टीएफटी, एलईडी, कोई भी आपका वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से देखा जा सकता है. फिर हमारा सिस्टम यूनिट जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं. स्पीकर्स जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन्स हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं. माउस
ये पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड है जिससे हम टाइपिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू। सीपीयू में सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। देन इनपुट डिवाइसेस में हमारे सामने क्या क्या है वो ध्यान से समझने की चीजें हैं। देखिए इनपुट डिवाइसेस में जो हम सिस्टम की मेमोरी के अंदर कुछ भी डालते हैं, जो भी किसी भी हार्डवेयर के माध्यम से, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम सिस्टम मेमोरी के अंदर कुछ भी इनपुट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पॉपुलर है कीबोर्ड, माउस। माउस में हम जॉयस्टिक माउस भी काफी यूज करते हैं। कीबोर्ड में हम सबसे ज्यादा टाइपिंग करते हैं। मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ कीबोर्ड है, लेकिन सबका पर्पज एक ही है। माउस भी मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ माउस अवेलेबल है, लेकिन सबका पर्पज एक ही है। जॉयस्टिक माउस स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, वीडियो गेम्स वगैरह में हम यूज करते हैं। वेबकैम से हम कोई भी फोटो, मूवीज, कोई भी अपनी ट्रेनिंग सेशन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। स्कैनर में हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, फोटो स्कैन करते हैं। जैसे फोटोकॉपी मशीन में पेपर पे फोटोकॉपी निकलती है, लेकिन स्कैनर में सिस्टम मेमोरी के अंदर स्कैन हो जाता है। देखिए अब हम यहाँ इमेजेस के अकॉर्डिंग माउस और कीबोर्ड के थोड़े थोड़े पार्ट्स आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें माउस में हमारे पास बीच में व्हील होता है जो स्क्रॉलिंग के काम आता है। जो हमारी राइट माउस बटन है उसे सेकेंडरी में यूज करें, जो शॉर्टकट्स दिखाएगा। प्राइमरी लेफ्ट माउस बटन है जो हमारा किसी भी सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर उसे हम डबल क्लिक करेंगे विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो वो उसे ओपन कर देगा। कीबोर्ड के अंदर हमारे पास फंक्शंस कीज होती हैं, टाइपिंग की सबको पता ही है, स्पेशल पर्पज के लिए फंक्शंस कीज होती है। हमारी नेविगेशन की होती है जो लेफ्ट राइट एरो के रूप में, टॉप बॉटम की न्यूमेरिकल्स कीज जो नंबर्स के, और शॉर्टकट कीज है जिनसे हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में उन डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया है जो हमें रिजल्ट देते हैं, जिसे हम वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अकॉर्डिंग। देखिए आपने चाहे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, किसी भी सॉफ्ट कॉपी वगैरह किस तरीके से लेना। देखिए सबसे पहले हम मॉनिटर या एलसीडी से भी देखते हैं, या वीडियो में कोई भी डिस्प्ले यूनिट है जो विजुअलाइज करती है। देन हमारा प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस में जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालता है। स्पीकर जिसे हम कहते हैं वो भी हमारा हेडफोन या स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस में, क्यों वो हमें साउंड प्रोवाइड करता है। सीपीयू के बारे में जानते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर हम अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, जिसकी फंक्शनलिटी है पूरे सिस्टम को संभाल के रखना। उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के अंदर हमने सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। देखिए मैं मेमोरी यूनिट के बारे में बताना चाहूंगा। मेमोरी यूनिट में हम दो तरह की मेमोरीज यूज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम और रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये मैंने यहाँ पिक्चर के रूप में दर्शाई है। हार्ड डिस्क आपने देखा, ओपन करके दिखा रखा, इस तरीके से इसमें सिलेंडर होते हैं, डबल कोटेड होते हैं, जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है हेड के माध्यम से। फ्लॉपी डिस्क आपके सामने है, सीडी आपके सामने। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB डाटा इंक्लूड करती थी। सीडी के अंदर डिफरेंट साइज की सीडी है, लेकिन इरेजेबल नहीं है। हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग आपने देखा हमने कितना डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क आपकी मार्केट में मिलेंगे। उसके बाद रैम का एक चिप होती है जिसे हम सिस्टम मेमोरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फ्लॉपी ड्राइव को चलाने के लिए मैंने सीपीयू से दर्शाया गया है कि किस तरीके से हम इन मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं। सीडी ड्राइवर से हमने एक्सेस कैसे करना है वो भी इसमें दिखाया गया। प्राइमरी मेमोरी हमारी जस्ट लाइक ए टेबल डेस्क की तरह से है, जो टेम्परेरी है। किताब खुली है ठीक है, बंद होगी तो लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी में भी कहते हैं। इसके पार्ट कंप्यूटर के पार्ट्स के अकॉर्डिंग है। ये प्रोसेसिंग जब तक डाटा डायरेक्टली स्टोर नहीं हो जाता तब तक इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखती है, और जैसे ही हम डाटा को सेव कर लेते तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। जब तक रैंडमली हम डाटा को यूज कर पा रहे हैं तो उसके कंडीशंस में हम इसे प्राइमरी मेमोरी में ही इंक्लूड करते हैं। दोनों के अंदर अंतर है काफी। रैम और रोम के अंदर दोनों प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। स्टैंडर्ड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। वोलेटाइल इन नेचर है रैम का, रोम का नॉन वोलेटाइल नेचर है। रैम के अंदर हम डाटा लिख सकते हैं,
पढ़ भी सकते हैं किसी भी लोकेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे सिस्टम की चिप है। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को परमानेंटली लिख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर हमारा डाटा परमानेंट सेव होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू, इट मस्ट फर्स्ट बी द कॉपीड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज, पहले वहां होता है जो रैम के अंदर डाला जाता है, उसके बाद हम इसे सेकेंडरी मेमोरी में किसी भी डिस्क में कन्वर्ट करते हैं। डिस्क के अकॉर्डिंग हमारी ऑप्टिकल डिस्क सीडी, ठीक है, सीडी रोम्स में चलती है, एंड मैग्नेटिक टेप्स वगैरह जो आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट था। इसमें मैंने जैसे आपको फ्लॉपी डिस्क की बात बताई थी, फ्लॉपी डिस्क इस तरीके से 3.5 इंचेस की फ्लॉपी है, 1.44 एमबी डाटा है। आज की मार्केट में फ्लॉपी का यूज नहीं होता। सीडी फिर भी कुछ समय के लिए हम यूज कर लेते हैं, सीडी हमारे पास डिफरेंट काइंड से सीडी अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन सीडी के अंदर भी डाटा लंबे टाइम तक नहीं रहता था। हार्डवेयर्स के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच, जिनको हम देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, किसी भी सेट ऑफ टास्क के लिए परफॉर्मिंग करेगा। हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंक्लूड किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो एप्लीकेशंस इंक्लूड की जाती हैं जो हम स्पेशल पर्पज या अपने यूज के लिए करते हैं, लाइक आपका एमएस वर्ड, सेपरेट सीट, पावर पॉइंट एटसेट्रा। अभी मैं इनका एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करा देता हूं कि किस तरीके से हमने इनको डिफाइन किया। सॉफ्टवेयर में हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भाग में डिवाइड किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम CUI और GUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। देखिए ट्रांसलेटर में आपके असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये जो ट्रांसलेटेड दुभाषीय का काम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हमारे डाटा को कन्वर्ट करने में। अब हमने विंडोज के बारे में जानना चाहा कि विंडो हमारे को किस तरीके, सबसे पहले हमारे सामने डेस्कटॉप दिखाई देता है, जो फर्स्ट विंडो होती है हमारे कंप्यूटर की, उसे हम डेस्कटॉप विंडो कहते हैं। वॉलपेपर जो उसके बैकग्राउंड में लगा होता है, आइकन जो शॉर्टकट आइकन उसके ऊपर दिए होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने काम को आसानी से हैंडल करते हैं, डायरेक्ट ओपन करते हैं। टास्क बार नीचे एक पट्टी दी होती है जिसके अंदर स्टार्ट बटन है और भी उसके ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये हमारी एक डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस जो फर्स्ट विंडो थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसको चार भागों में बांटते हैं हम, जैसे आप देखिएगा, स्टार्ट बटन है, क्विक लॉन्चर टूल बार है और मिडल सेक्शंस है, देन हमारे नोटिफिकेशंस एरियाज है। स्टार्ट बटन में हमने वो चीजें इंक्लूड की हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर मुझे कुछ भी ओपन या क्लोज करना है तो आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेन्यू आपके सामने खुला होगा, जिसमें ऑप्शन सारे दिए होते हैं। इनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं जो हमारी जरूरत पे है, लेकिन ये माउस के माध्यम से सिलेक्ट करना है, जो ऑप्शन आप ओपन करेंगे जिस पे भी क्लिक करेंगे वही काम सिस्टम ओपन कर देगा। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम स्टार्ट बटन से जाएंगे सबसे पहले हम प्रोग्राम्स में ही जाते हैं, कॉमनली यूज्ड फोल्डर जो हमारी रिक्वायरमेंट के हैं। अगर सर्च करना है तो सर्च करेंगे, कुछ भी नाम लिखेंगे। कंप्यूटर की सेटिंग एडजस्ट करना है तो एडजस्ट सेटिंग में जाएंगे। कोई भी मदद लेनी हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम ऑनलाइन मदद ले सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करना है तो टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने लॉग ऑफ करना है, यानी कि एक यूजर का अकाउंट खोल के दूसरा बंदा लॉग इन करना चाहता है तो उसका एक का पासवर्ड चला जाएगा, फिर दूसरा पर्सन लॉग इन कर सकता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर हमने, जैसे ही आपने देखा स्टार्ट मेन्यू, अभी मैंने आपके सामने ओपन किया था, लेफ्ट साइड में जो व्हाइट पैनल है इसमें आपकी आइटम्स दिखाई देंगी, फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम दिखाई देंगे राइट साइड में जो डार्क एरिया था, अदर थिंग्स है स्टार्ट मेन्यू की। जैसे आपने क्लिक किया इस तरह से आपके सामने बटन है, सर्च है, होल प्रोग्राम्स है, क्लोजिंग मोड्स है, स्लिप मोड है, लॉक है आपका, देन और भी फीचर्स हैं, 3D फ्लिप है, स्लाइड बार्स है जिसमें गैजेट्स है, स्निपिंग टूल्स है, फोटो गैलरीज है, विंडो मीडिया सेंटर्स है, विंडो DVD मेकर्स है।
देन आपके सामने फाइल एंड फोल्डर का कंसेप्ट आता है, क्योंकि हम बहुत बार यूज करते हैं फाइल एंड फोल्डर्स। एक फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं, जस्ट एज ए रियल लाइफ इन ए कंप्यूटर टू द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए फाइल। सिंगल सिंगल में आप स्टोर करते हैं, जैसे रेगुलर बेसिस पे हम अपना काम करते चले जाते हैं और जिस तरह का काम उसी तरह की फाइल हम बना लेते हैं, और इन सबको हम एक फोल्डर टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें रखते हैं। जो हमारी कलेक्शंस है डाटा की, वो इन्फॉर्मेशन की, उसे हम एक नाम दे देते हैं और उसको हम फाइल का नेम कहते हैं। उसी नाम से जिस तरह का काम हम उस फाइल में कर रहे हैं या जिस पर्सन का काम कर रहे हैं उसी का नाम हम उसी तरह से रख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो फाइल में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये डिफरेंट तरह की फाइल्स हो सकती है, आपकी डाटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, और भी बहुत तरह की फाइल्स अवेलेबल हैं। आप जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं उतनी तरह की फाइल्स आप यहाँ सेव कर सकते हैं। जब भी हमने फाइल्स का नाम देना है तो हम हर तरह के करेक्टर और सिंबल का यूज कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशंस डिपेंडिंग है, आपने जिस भी एप्लीकेशन में काम किया था उसी तरीके से फाइल का एक्सटेंशन रखा जाएगा। जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल है या नोटपैड फाइल है तो .txt से वो सेव होगी, अगर आपकी पेंट फाइल है तो .bmp से, तो इसे हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसके बाद हम नोटपैड के बारे में जानते हैं। नोटपैड हमारा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम फाइल खोल सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कुछ भी डाटा एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यहाँ कंडीशन है। ये एक ऐसा अकेला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें फाइल ASCII मोड में सेव होती है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी फाइल हम ASCII मोड में सेव करें। नोटपैड की विंडो आपके सामने खुली हुई है, किस तरीके से दिखाई देती है, देखिए सबसे ऊपर मेन्यू बार है, मेन्यू बार के अंदर ही आपका टाइटल बार आया हुआ है, तीन बटन है, मिनिमाइज बटन जो आपके टास्क बार में ले आएगा, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन, मैक्सिमाइज फुल साइज कर देगा, रीस्टोर आप साइज करेगा, क्लोज बटन इसे बंद कर देगा। स्क्रॉल बार है हमारे पास दो तरह के, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेफ्ट राइट मूव करेगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार टॉप बॉटम मूव करेगा। उसके बाद हमारा मेन्यू बार्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेन्यू है, फाइल में फाइल से रिलेटेड ऑप्शन है, एडिटिंग से रिलेटेड एडिट ऑप्शन में, फॉर्मेट से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है, व्यूज में हम किस तरह के व्यूज ले सकते हैं, और अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम हेल्प मेन्यू से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं नोटपैड से रिलेटेड। अब हमने अपने कंप्यूटर को बंद करना है तो आप टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे, और ये जरूरी है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपना कंप्यूटर बंद करना आना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर को बंद नहीं करेंगे तो आपने देखा जैसे ही हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपके सामने होगा, दोबारा से आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और कंप्यूटर को बंद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आज का सेशन कंप्लीट हो गया।